पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जय हनुमान सेवा दल की बैठक लाइन पार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा पार्षद हीरा भारती ने की और संचालन प्रियंका द्वारा किया गया। आयोजित बैठक में आगामी पर्व तीज उत्सव को मनाने तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्षता कर रही भाजपा पार्षद हीरा भारती ने बताया कि जय हनुमान सेवा दल महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे से कार्य करेगा और किसी भी महिला को यदि कोई परेशानी होती है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसे न्याय दिलाया जाएगा। जय हनुमान सेवा दल हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, इसीलिए इस वर्ष भी तीज उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। हीरा भारती ने बताया कि लाइन पार में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्रीय महिलाएं आमंत्रित होंगी। इस अवसर पर जय हनुमान सेवा दल की महिला सदस्य मौजूद रही। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने एक दल बनाया है जय हनुमान सेवा दल के नाम से जी, और मैं महिलाओं की कोई भी आज तक ऐसा कोई दल नहीं है जो महिलाओं के लिए काम कर सके जी जी। तो मैंने इस दल की स्थापना की है और ये हम तीजोत्सव भी मनाएंगे, हर प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हमारा मेन मोटिव जो है तीजोत्सव का है, 13 तारीख को हम रामलीला ग्राउंड में बहुत अच्छे स्तर पे तीजोत्सव मनाएंगे। तो उस उपलक्ष में आज हमने मीटिंग रखी है, 2 मीटिंग हमारी पहले हो चुकी हैं और ये 3री मीटिंग है। इस जय हनुमान सेवा दल को मैं इतनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहती हूँ कि लोग याद रखें कि किसी ने कोई दल बनाया था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की बात को कोई नहीं सुनता और मैंने एक ऐसी टीम को गठित कर दिया है जो मेरे साथ हर समय रहेगी। कहीं पे किसी महिला के साथ कोई भी परेशानी है तो वो महिलाओं की टीम मेरे साथ रहेगी, हम उसका साथ देंगे और उस महिला को न्याय दिलाएंगे।